घमंड इतना हो गया है कि जनता को धमकी देने की हिम्मत कर बैठे हैं। ये लोग सिर्फ विनाश की बात करते हैं। 5 साल जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे की अय्याशी की है। पिछले 3 सालों से स्कूल कॉलेज बंद है और शराब की दुकानें खुली हुई हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये इस तिरंगे की पहचान को हटाना चाहते हैं। हम इस समय मऊ में हैं और हमारे साथ मऊ सदर से सुभाषपा के प्रत्याशी हैं अब्बास जी। अब्बास जी, आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार पिताजी की सीट पर हैं। किस तरीके का मुकाबला है और कितनी फाइट है? कोई मुकाबला ही नहीं है। जनता तैयार बैठी हुई है इस दमनकारी सरकार को सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने के लिए। भाजपा के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि एक लंबे समय से आप लोगों ने यहाँ पर आपके पिताजी प्रत्याशी रहे, विधायक रहे, और उसको लेकर के वो मुद्दा बना रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, इस बार इसीलिए बेटे को उतारा जा रहा है। भाजपा के प्रत्याशी के घर में भी बिजली आती है ना, तो तरवा विधायक जी लगा के भेजी है। अब भाजपा के प्रत्याशी भी आज जहाँ तक पहुँचे हैं वो विधायक जी के पीछे पीछे घूम के पहुँचे। वो तो 10 साल पहले से अलग हुए हैं, तो आज अपनी पहचान बनाए हैं विधायक जी को गाली दे दे करके। वो क्या बोलिए, कौन मुँह से बोलिए। और दूसरी बात रही बात इल्ज़ाम लगाने की, तो ये बात का जवाब भाजपा के प्रत्याशी क्यों नहीं देते? 5 साल की सरकार तो थी, क्या कर लिए हैं, कहाँ विकास किए हैं? यही विकास है कि गोरखपुर के एक होटल में एक व्यापारी को पीट कर मार दिया जाए, ये विकास है? या ये विकास है कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग विधानसभा के मेंबर हों और एक बिटिया की इज्जत तार तार करें? या ये विकास है कि इतिहास में पहली बार जनरल डायर की तरह कांड हुआ, जगंड कांड, कि किसान हमारे शांतिपूर्वक ढंग से विरोध प्रदर्शन करके लौट रहे थे तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके 8 किसानों को मार दिया गया, 8 लोगों को मार दिया गया, और 8 लोगों को मारने वाला व्यक्ति 4 महीना भी जेल के सलाखों में नहीं रहा, इसको विकास कहेंगे? या ये विनाशकारी सरकार जो संविधान से ऊपर उठ करके लोगों के रिहायशी मकानों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है कि सबको मुआवजा देने को कहा है, ये विकास है? कहा था 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप जिस सड़क से चल के आए हैं बताइए गड्ढा मुक्त है? यहाँ छोड़िए, गोरखपुर चले जाइए, बनारस चले जाइए, सड़कों की हालत देखिएगा तो आपके मुंह से भी वही निकल जाएगा जो लोग यहाँ कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कहने में तो बहुत कुछ कहते हैं, इनको ये शर्म नहीं आती है जनता को जवाब दे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है। ये महिलाओं का मान सम्मान नहीं करना जानते हैं, ये बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करना चाहते, नौजवान नौकरी मांगे तो उनके ऊपर डंडा बरसाना जानते हैं, बड़े बुजुर्गों की जान इन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से ले ली, ये कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता इनको समझ चुकी है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और 6वां चरण आज चल रहा है। इस 5 चरण में 295 सीट पर चुनाव हुआ है, 250 से ज़्यादा गठबंधन जीत चुका है। 6वां और 7वां चरण तो इनको इनकी औकात बता देगा। सर, ये लगातार जहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे बीच में कई रैलियाँ हुई, वो बुलडोजर की बात करते हैं और आप लोग कानून व्यवस्था की कल बात भी यहाँ आए थे तो बुलडोजर लेके आए थे साथ अपने, अब बुलडोजर का रंग पीला था। अच्छा, ये भगवा से पीला था? पीला था बुलडोजर का रंग। ये लोग सिर्फ विनाश की बात करते हैं। 5 साल में 1 विकास किया होता तो मन से बोलते ना, 5 साल में 1 विकास नहीं किया इसलिए सिर्फ विनाश को बताते हैं। ये बताते हैं फलाना गिरा दिया, ढमकाना गिरा दिया, ये क्यों नहीं बोलते हैं मन से? 5 साल सत्ता में बैठे रहे हैं, 5 साल जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे की अय्याशी की है, क्यों नहीं बताते हैं कि इन 5 सालों में इन्होंने फलाना जगह बना दिया, फलाना स्कूल बना दिया, फलाना कॉलेज बना दिया, फलाना हॉस्पिटल बना दिया? एक मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि कुछ नहीं किया, ना सड़क बनाया, ना पानी दिया, ना बिजली दिया किसी को, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटा है, खाया है। 50 रुपये का तेल आज, सरसों का तेल आज 250 रुपये का हो गया, 400 रुपये वाला गैस का सिलेंडर आज 125 रुपये, 1105 रुपये का बिक रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपये का हो गया है। पिछले 3 सालों से स्कूल कॉलेज बंद है और शराब की दुकानें खुली हुई हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, उसके बाद भी बच्चों की फीस जा रही है, एग्ज़ाम एक भी नहीं हो रहे हैं मगर एग्ज़ाम की फीस वसूली जा रही है बच्चों से, बच्चों के पेपर कराए जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या बात करते हैं ये? ये बेशरम लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, ये इस तिरंगे की पहचान को हटाना चाहते हैं। और इस देश का बच्चा बच्चा जब भी तिरंगे पे वार होगा, हर बच्चा अपने आप को भगत सिंह समझकर खड़ा हो जाएगा और इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंकने को तैयार बैठा। अब्बास भाई, आप युवा हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं और जाहिर सी बात है कि युवाओं के मुद्दे आपको प्रमुख होंगे,
मऊ में खास करके और पूरे यूपी में देखा जाए तो खेल को लेकर के जिस तरीके से उदासीनता है एक तरीके से, और मऊ में स्टेडियम था और सब आपको पता ही है, हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्या युवा लेकर के आपके पास क्या शिकायतें लेके आते हैं? सबसे पहली चीज़ स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ अगर युवाओं को मिल जाए ना तो युवा अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। युवा तो जिधर जाता है जमाना उधर जाता है, सिर्फ ये दो चीज़ मिल जाए। इन्होंने युवाओं से ये दो चीज़ भी छीन ली। किसी ने सोचा था कि 21वीं सदी में कोई ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा? 40 से ज़्यादा बच्चे गोरखपुर में, प्रदेश के मुखिया का क्षेत्र है ना, गोरखपुर में 40 से ज़्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। मेरा अपने कई दोस्त इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से मर गए। ये बेशरम लोग, इन्होंने जनता को लूटा है और लूट करके महल बनाया है। देश के मुखिया अपने आप को फकीर कहते हैं और 10,000-20,000 करोड़ रुपए का अपना मकान बनवा रहे हैं। अपने आप को फकीर कहते हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं वो एक गाड़ी 16 करोड़ रुपए की है, वैसी 5 गाड़ियां हैं उनके पास। अपने आप को फकीर कहते हैं, जिस हेलीकॉप्टर से घूमते हैं वो एक हेलीकॉप्टर 10,000 करोड़ का है। ये जनता के पैसे से राज कर रहे हैं। देश के लाल किले तक को पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रख दिया है। ये लोग देश की पूंजी को बेच रहे हैं। ये लोग अंग्रेजों के तर पर इस देश को खोखला कर रहे हैं। नौजवानों के हाथ से नौकरी, बच्चों के पास से शिक्षा, बड़े बुजुर्गों के सर के ऊपर से छत, माँ बहनों के जिस्म से पल्लू खींचने वाली इस सरकार को, इस दमनकारी सरकार को जनता उठाकर फेंकने को तैयार बैठी हुई है। 7 तारीख आने दीजिए। इस मऊ में तो हमेशा इतिहास बना है, आए थे पिछली बार भी, बहुत कुछ बोल कर गए थे, जनता ने मुंह पर काली पोती है, तो 5 साल हो गया लौट कर नहीं आए हैं। और अब की आने तो दीजिए, इस बार जनता ऐसा करारा देगी, ऐसा करारा तमाचा इस भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सरकार के चेहरे पर मारेगी कि 50 साल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का सोचेंगे मैं नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, सरस्वती माता जिसकी जबान पर बैठ जाए वो झूठ बोल ही नहीं सकता, तो परसों नरसों सरस्वती माता अमित शाह जी की जबान पर बैठ गई और उनके मुंह से निकल गया 2070 में आएंगे, तो 2022 में 2070 की बात करने वाले व्यक्ति की लाज तो रखनी पड़ेगी। अब सरस्वती माता ने उनके मुँह से कहलवा दिया है तो अब जनता भी तैयार है। 50 साल इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार का नाम भी नहीं कोई लेने वाला रहेगा। वो लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर और राशन के मुद्दे पे आ जाएंगे। राशन, आप किसी चाचा के तरफ मुंह लगा के पूछिए, चाचा नमक में का होता, मिलावट बा ना, का तनी बता द। ये लोग जनता को लूट रहे हैं। राशन में से इन्होंने चीनी गायब कर दिया, राशन में से इन्होंने तेल गायब कर दिया, राशन में इन्होंने कम कर दिया, पैकेट बड़ा कर दिया, चेहरा इतना बड़ा बना दिया। राशन कितना? इतना। आप बताइए 5 आदमी का परिवार 5 किलो अनाज में कितना खा लेगा? और ये किसानों का प्रदेश है, 80% किसान है। आप बताइए जो किसान 80% जिस प्रदेश में किसान हो, वो किसान अगर उस 5 किलो राशन को खाने जाएगा तो पीछे से सांड आकर के 5 क्विंटल उसका अनाज चर जाएगा, वो क्या करेगा? अरे जनता तैयार बैठी है, इनका ऐसा हिसाब किताब करेगी। देख नहीं रहे आप, बौखला गए हैं, आजकल मौसम वैज्ञानिक बने बैठे हैं। घमंड इतना हो गया है कि जनता को धमकी देने की हिम्मत कर बैठे हैं। जनता को कह रहे हैं कि हमारी सत्ता बनेगी तो बुलडोजर चलाएंगे। इस बार जनता उस बुलडोजर को भी पंचर कैसे करते हैं ये जनता दिखा देगी। 80-20 की बात कर रहे हैं, देखिए ये बात उनकी सही है, 80-20 नहीं, मैं कहता हूँ कि 90-10 की बात है। 90% यहाँ पर वो लोग हैं जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं और तिरंगे से प्यार करते हैं, और 10% वो लोग हैं जो उनके पीठ पीछे चाटुकारी करते हैं और उनके द्वारा फेंके हुए टुकड़े पे पलते हुए उनका नारा लगाते हैं। अखिलेश यादव आएंगे आपके लिए, आपसे उनसे कोई बातचीत हुई? अखिलेश भैया कल आ रहे हैं गोपागंज में। आपकी डिमांड भी है, और भी जगहों पे आपको जाना पड़ रहा है, अपना क्षेत्र भी देखना पड़ रहा है, कई जगहों पे जाना बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जिम्मेदारी हम सब की है, और हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप संविधान के चौथा स्तंभ हैं आपकी है। सच दिखाना शुरू कर दीजिए, वक्त बदल रहा है, अब आप पे दबाव नहीं रहेगा, सच दिखाना शुरू कीजिए और बताइए, लोगों को भी बताइए कि ये संविधान रहेगा, ये लोकतंत्र रहेगा तो फिर चुनाव हुआ करेगा, फिर जिसको चाहिएगा बनाइएगा हटाइएगा। इस बार का चुनाव
संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, इसलिए जाति और धर्म में ना फंस करके, रंग और रूप में ना फंस कर, इलाके की राजनीति में ना फंस करके, एक साथ एक मत होकर के इस बार जहां छड़ी है वहां छड़ी, जहां साइकिल है वहां साइकिल को वोट दे करके गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके इस दमनकारी सरकार के चेहरे पर वो करारा तमाचा मारिए कि इनको एहसास हो जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी कभी भी किसी भी सांप्रदायिक और सामंतवादी मनोवादी विचारधारा के व्यक्ति को सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, ना बैठने देगी। अंतिम सवाल है, पिछली बार का जो अंतर था वो 8,000 के आसपास का है, इस बार आपके जीत का अंतर क्या होगा? देखिए बस इतना बताऊंगा, जितना वोट भाजपा पाएगी उससे ज्यादा से चुनाव जीतूंगा। अच्छा, उनके वोट से ज्यादा से? जितना वो पाएंगे उससे ज्यादा से चुनाव जीतूंगा। लेकिन यहाँ पे तो भाजपा लगता है कि फाइट में ज्यादातर नहीं रहती है। देखिए भाजपा तो कहीं फाइट में नहीं है। नहीं, यहाँ पे लड़ाई किससे आपका? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ये लड़ाई जनता और दमनकारी सरकार की है, और एक तरफ जनता है दूसरी तरफ दमनकारी सरकार है। इस बार जनता सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। दो दिन बाद चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जाति और धर्म से ऊपर उठिए, तरक्की और खुशहाली के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट कीजिए। तो ये हैं अब्बास अंसारी, जो अपने मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिनका कहना है कि मऊ में इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। जितना भारतीय जनता पार्टी वोट पाएगी उससे बड़े ज़्यादा मार्जिन से उनको जीत हासिल होगी। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, मऊ। और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।